मेरे ठीक पीछे है बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां से आज लगातार सबसे पहले सबसे तेज आपको अपडेट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। बीजेपी ने लगातार सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया है, कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में भी हो सकता है। तो जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, जिसे लेकर चिंतन और मंथन भी किया जा रहा है। आज विधायक दल की बैठक है और इससे जुड़ी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए, तीनों पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंचेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, और इसके बाद होगी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक। सबसे पहले अनौपचारिक बैठक होगी, जहां पर विधायकों से वन टू वन संवाद किया जाएगा, और उसके बाद औपचारिक विधायक दल की बैठक होगी, और इसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सौरभ, कहा जाए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे संभवतः कौन राजस्थान की बागडोर संभालेगा ये जो है वो तय हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, एक हॉल है, उसी हॉल में जो है वो तमाम विधायकों को बिठाने की व्यवस्था जो है वो की है। सुबह 11:55 पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर के बाद एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित जाने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि वहां पर ही वो संभवतः बड़े नेताओं से मुलाकात जो है वो करेंगे और करीब 1:30 तमाम विधायकों को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहीं पर ही जो है वो बुलाया गया और यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लंच होगा और शाम 4 बजे जो है वो बैठक शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी का कौन सा फॉर्मूला जो है वो लागू होने वाला है, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला लागू होगा या फिर उत्तराखंड का फॉर्मूला जो है वो लागू किया जा सकता है, या फिर राजस्थान के लिए कोई नया फॉर्मूला जो है वो बीजेपी तैयार करने जा रही है, क्योंकि कई नाम जो है वो इस फहरिस्त में है कि मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। और लगातार पिछले जब से परिणाम सामने आया उसके बाद से लगातार कई नेता जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ये दावेदारी सफल होती है नहीं ये आज देखने को होगी। और सौरभ, मुझे लगता है कि अगर कोई फॉर्मूले पर विचार करके ये पता लगाने की कोशिश करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये कल्पना से परे है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं कि अपना ही फॉर्मूला तोड़कर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया मिसाल पेश करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका फॉर्मूला किसे भी नहीं मालूम। और एक बहुत बड़ी जानकारी जो सामने आई वो ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनने वाला है उसे विधायक दल की बैठक से 2 घंटे पहले ही सूचना दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यही बात जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, यही बात जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली, और बताया जा रहा है कि यही बात जो है वो राजस्थान में भी लागू होने वाली है। तो इस लिहाज से 2 घंटे पहले तक यकीन मानिए किसी को भी ये मालूम नहीं है कि राजस्थान का मुखिया जो है वो कौन होने वाला है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चर्चा है, केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा है, लेकिन कोई भी केंद्रीय मंत्री का अभी तक कार्यक्रम राजस्थान आने का नहीं हुआ है, यानी अभी तक उनको भी ये सूचना नहीं दी गई है कि राजस्थान का मुखिया जो है वो कौन बनने वाला है। एक ये भी चर्चा है, चूंकि जिस प्रकार का संगठन में सीपी जोशी का नेतृत्व रहा है, तो एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि अब सीपी जोशी भी जो है वो इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और उनके नाम का भी ऐलान जो है वो हो सकता है। लेकिन ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि डिप्टी सीएम की चर्चा भी लगातार जोरों पर चल रही है कि जो मुख्यमंत्री होगा, जिस जाति वर्ग से जो है वो मुख्यमंत्री होगा। इस बार ये चर्चा हो रही है राजस्थान में कि सामान्य वर्ग का कोई शख्स जो है वो राजस्थान की बागडोर संभाल सकता है, तो यकीन मानिए एक महिला जो है वो डिप्टी सीएम की पद पर जो है वो काबिज होगी, चाहे वो एससी की हो या फिर अन्य वर्ग की। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजस्थान के डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो एक इस प्रकार की जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। आज सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम और संभवतः विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान जो है वो हो सकता है और बाकी मंत्रिमंडल जो है वो अगले 1-2 दिन में जो है वो तय हो, लेकिन क्या होगा ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये सिर्फ अनुमान है, अपने अपने हिसाब से लोग फॉर्मूला सेट कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री और कौन डिप्टी सीएम बन सकता है। 2 नाम बताया जा रहा है डिप्टी सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं, जिनमें सवर्ण और महिला एक डिप्टी सीएम बनाई जा सकती है, या फिर एक सवर्ण महिला डिप्टी सीएम के तौर पर भी चुनी जा सकती है। सौरभ,
अब सवाल ये है कि ये विधायक दल की बैठक तो बुलाई गई है, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय से किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल, और अब धुंध छटने लग गई है, धीरे धीरे दिन बढ़ता चला जा रहा है और तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 25 तारीख को एक दिन में वोटिंग हुई, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए, जब ये तो पता चल गया कि सरकार किसकी बन रही है, कमल का फूल खिल गया, लेकिन उसी दिन से ये सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। सौरभ, विधायक दल की बैठक तो हो रही है लेकिन कहा जा रहा है कि फैसला पहले ही आलाकमान ने ले लिया है और वो जो नाम है उसे लिफाफे में कैद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि 3 दिसंबर को जो है वो परिणाम आए और 3 दिसंबर के बाद काफी एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो चुकी है, इस लिहाज से कहा जा रहा है कि नाम का ऐलान जो है वो होना शेष है, बाकी सब कुछ जो है वो तय हो चुका है। और यही कारण है कि ये देरी होने के पीछे कारण भी यही है कि केंद्र ने जो है वो पूरी तरह से सोच विचार कर ये निर्णय लिया है, और जिस प्रकार से दोनों ही नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, वो चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी चौंकाने वाला नाम जो है वो हो सकता है, ये भी चर्चा है, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला कि जो निर्वाचित विधायक हैं उन्हीं में से जो है वो मुख्यमंत्री चुना गया है। ऐसे में जो तमाम राजस्थान के 115 विधायक हैं उनकी धड़कनें सभी की बढ़ी हुई है, हर कोई ये सोच रहा है कि संभवतः ना जाने उनका नाम ना आ जाए, इस लिहाज से कोई भी मीडिया के सामने अब बयान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व को बयानबाजी जो है वो पसंद नहीं है, मीडिया बाजी जो है वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए आज से तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, जो है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से बचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। और क्या, चूंकि उत्तराखंड में ये देखने को मिला था कि हारे हुए प्रत्याशी को जो है वो सीएम बना दिया था, तो ऐसे में क्या राजेंद्र राठौड़ जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्या सतीश पूनिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं? राठौड़ तो पहले ही कह चुके हैं कि जिसे जनता ने ही नकार दिया उसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जिसे अगर मान लीजिए अगर केंद्र ने मंजूर कर लिया तो फिर तो बनना ही होगा। लेकिन देखिए ये सब चूंकि क्या फॉर्मूला होता है, उत्तराखंड का फॉर्मूला हमने देखा है, डिप्टी सीएम जो मौर्या थे उत्तर प्रदेश में उनको भी बनाया गया था, तो कह सकते हैं राजस्थान के लिए क्या तय किया है ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं। और 2 घंटे पहले, यकीन मानिए 2 घंटे पहले ही उस शख्स को सूचना दी जाएगी कि आप तैयार रहिए, आपको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और उसके लिए फोन आएगा, लेकिन अभी तक किसी को ये बात जानकारी नहीं है। आप दिखाने जाएंगे एक बार, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो है, प्रदेश कार्यालय में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, कह सकते हैं कि एक तरह से दुल्हन की तरह जो है वो प्रदेश कार्यालय को सजा दिया गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि पर्यवेक्षक जो है वो कब आएंगे, एक सूचना ये मिल रही है कि 2 पर्यवेक्षक सरोज पांडे और विनोद तावड़े जो है वो जयपुर पहुंच गए, हालांकि ये अपुष्ट जानकारी है, लेकिन कुछ देर में इसकी भी बारे में अपडेट मिल जाएगी, लेकिन राजनाथ सिंह जो है वो 11:55 पर आ रहे हैं और उसके बाद लगातार शाम 4 बजे तक वो होटल ललित में ही रुकेंगे और वहां पर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मुलाकात करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों की लगातार चर्चा होती रही है, तो लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी केंद्रीय नेता को जयपुर भेजने की या जयपुर पहुंचने के निर्देश जो है वो आलाकमान की ओर से नहीं दिए गए, तो ये क्या संकेत देता है, क्या एमपी और छत्तीसगढ़ का ही फॉर्मूला जो है वो राजस्थान में लागू होगा? और सौरभ, चूंकि आप कह रहे हैं कि क्या एमपी और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला लागू होगा, तो ये तो बेशक निश्चित है कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, वो जो तमाम नाम रेस में आगे चल रहे वो सभी पिछड़ जाएंगे, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग भी की गई वहां पर, तो क्या ये माना जाए कि यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी मिशन 2024 को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग तो की जानी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसका सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि वो सिर्फ संगठन का आदमी हो या सिर्फ संघ का आदमी हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व के नजदीक हो, ये क्राइटेरिया नहीं होगा, ये भी क्राइटेरिया होगा कि वो डिलीवर किस प्रकार के कर पाता है, क्योंकि 2024 के चुनाव लोकसभा के चुनाव हैं और 3 महीने का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समय मार्च तक का समय जो है वो किसी भी मुख्यमंत्री के पास इस लिहाज से होता है कि 3 महीने में उसे डिलीवर करके दिखाना है, तो केंद्र की तमाम योजनाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से लागू किया जा सके ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और ऐसा व्यक्ति कौन होगा, क्योंकि देखिए सुनील बंसल का नाम सामने आया, एक नाम अभी जो चौंकाने वाला सामने आ रहा है पुष्पेंद्र राणावत, वो भी 6 बार के विधायक हैं, उनका नाम भी जोरों शोरों पर चल रहा है, तो नाम लगातार चर्चाओं में, लेकिन क्या कुछ होगा
ये अभी तक जो है वो तय नहीं हो पाया, लेकिन जिस प्रकार की कंडीशन राजस्थान में लग रही है, माना जा सकता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला संभवतः, अभी जो जानकारी मिल रही है, संभवतः वो लागू होता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, और संभवतः किसी सांसद को जो है वो राजस्थान का बागडोर जो है वो बीजेपी सौंप सकती है। बिल्कुल, तो ये जो धुंध छाई हुई है वो धुंध भी कुछ ही समय में हट जाएगी, तस्वीरें साफ भी होंगी। एक और जानकार हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार राजनीति समझते हैं राजस्थान की। बाबूलाल, लग क्या रहा है आपको? जैसा सब लोग कयास लगा रहे वैसी अटकलें हमारी भी है, चौंकाने वाला नाम ही होगा, हो सकता है पहली बार का विधायक भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जो भी लोग कयास लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, तो सब लोग यही देख रहे हैं कि जैसा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, जैसा मध्य प्रदेश में, ठीक वैसा ही राजस्थान में भी होगा। वहाँ पर आदिवासी चेहरा आया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी को आगे किया है, तो लगता यही है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो सामान्य वर्ग में जो चेहरे हैं उनके ऊपर लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जो चर्चित चेहरे हैं वो भी नाम नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा से चौंकाते रहे हैं और जो चर्चित चेहरा होता है वो साइडलाइन कर। एक बार ओम प्रकाश माथुर का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब तो वो भी चर्चाओं में आ गए, तो माना जाए कि अब वो भी नहीं बनेंगे। यानी कि जो रेस में आगे नाम चल रहे हैं, अगर एमपी और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है तो वो तमाम नाम पिछड़ने वाले हैं। ओम प्रकाश माथुर सबसे ज्यादा अगर पुराने सहयोगी हैं तो पीएम मोदी के वही हैं, सबसे पहले यानी कि राजस्थान से किसी नेता को पीएम मोदी जानने लगे होंगे तो ओम प्रकाश माथुर को जानने लगे होंगे। उन्होंने बहुत साल पहले, कोई 40 साल पहले गुजरात में काम किया था, तब पीएम मोदी उनके साथ में काम करते थे, तो उनका नाम है। वो इस कार्यालय में संगठन के महामंत्री रहे हैं बरसों तक, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और पूरा जीवन एक तरह से उन्होंने संघ को समर्पित किया है, पार्टी को समर्पित किया है, तो उनको भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, वर्ग तो उनका भी सामान्य ही है। तो ऐसी सूरत में जब वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने जीत दिलाई, वहाँ के प्रभारी रहे, तो उनका नाम भी चर्चा में रहेगा। जब तक कि नाम का ऐलान नहीं हो जाता तो माथुर भी डार्क हॉर्स तो हैं, कि कोई उनको ये नहीं कह